खालिक कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आया मुकद्दसा नाज़िल फरमाई, फ़ैज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूरी फ़ला अनसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। जदों कयामत कायम होनी है और सूर फूंकिया जाना है, उस वक्त कोई नसब बाकी नहीं रहेगा। फला अनसाब बैनहुम, साडे नसब ने कि आ मेरा बाप है, आ मेरा दादा है, आ मेरा नाना है, आ मेरा बेटा है, आ मेरी बेटी है, आ मेरा भाई है, आ मेरी बहन है, आ मेरा फलां है, आ मेरा फलां है। इन्हें साडे नसब हसब तो पहले ही खत्म हो जाना है। हसब कहते हैं कि मेरे को इतनी जायदाद है, इतनी मेरे को प्रॉपर्टी है, इतने मेरे को पैसे ने, इतना मेरा कारोबार है, इतनी मैं नौकरी करना, इतनी मेरी कमाई है और इन्ने पैसे का मालिक हाँ, इन्हें मेरे को नौकर चाकर ने, इन्नी मेरी इज्जत है, लोग मैं सलाम करते हैं। तो जो इंसान की रूह निकल गई फिर सब कुछ खत्म हो गया, हसब इतने ही खत्म हो गया, रह जाता है नसब। फिर बंदा नसब से बड़ा मान करता है कि मेरा फलां फलां है, मेरा फलां फलां है, मेरा फलां फलां है। खल्के कायनात ने फरमाया जो कयामत आएगी सारे नसब टुट जाएंगे, नसब ही खत्म हो जाएंगे। जो आया मुकद्दसा नाज़िल हुई आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुल्लु साबिन व नसबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामत इल्ला सबा व नसबी, फरमाया सारे हसब भी टूट जाएंगे, सारे नसब भी टूट जाएंगे, लेकिन फरमाया मेरा हसब भी कायम रहेगा, मेरा नसब भी कायम रहेगा। ना साडा हसब टूटना है, आज बादशाह है, पूरी दुनिया का बादशाह है, मौत आ जाए कोई उसनू कोई अपना नौकर भी नहीं रखेगा, उसकी कोई कदर नहीं, कोई उसकी मंजिलत नहीं, उसकी कब्र पे कोई नहीं जाएगा, नामो निशान का खत्म हो जाएगा। लेकिन फरमाया जरा साडा हसब है वो कायम रहेगा, साडा नसब भी कायम रहेगा। ना हसब खत्म होना है ना नसब टूटना है, और इस नसब को बचाने वास्ते सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा करमुल्ला वजहुल करीम आप देखो हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा आपका रिश्ता तलब फरमाया सी, सिर्फ ये नसब कायम करन दे वास्ते, ताकि साडा जिहड़ा नसब है वो कायम हो जाए। एक शेर है, उमर की बेटी नबी के घर में, नबी की बेटी अली के घर में, अली की बेटी उमर के घर में, अली के बच्चों का नाना नबी है, उमर के बच्चों का नाना अली है। चौथा फिक्रा यह है कि सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप जो बच्चे ने उन्हों का नाना अली है। तो कुछ लोग इस चीज़ को ना वाकफ ने, थोड़ी वाकफियत के वास्ते मैं इसको अर्ज कर रहा हाँ, ताकि इलम गल आ जाए। तो सैयदना हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप का निकाह सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेरे खुदा करमुल्ला वजहुल करीम आप की बेटी हज़रत उम्मे कलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल होया, और उन्होंने आप नू अल्लाह तआला ने हज़रत ज़ैद बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बेटे अदा फरमाए, लेकिन फिर बाद उन्होंने शहीद कर दिया गया सी। लेकिन बेटे तो हैं, और मौला अली जो है वो आप दे बेटे दे नाने भी हैं, और आपने जब ये रिश्ता तलब फरमाया सी, मौला अली मुश्किल कुशा ने इतराज फरमाया कि असा दोनों ये रिश्ता नहीं देंगे, तो आपने फरमाया कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मेरी ख्वाहिश ये है कि सिर्फ मेरे रसूल ने फरमाया है सारे नसब भी टूट जाएंगे, सारे हसब भी टूट जाएंगे और मेरा नसब कायम रहेगा। फरमाया मैं चाहना वा जो सारे नसब टूट जा मेरी हजूर के नाल नस्बत फिर भी सलामत रहेगी।